हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों का टिफ़िन बॉक्स। ये मेरी पहली टिफ़िन बॉक्स रेसिपी है। देखिए, जब आपके घर में कुछ ना हो तो आप जल्दी से इंस्टेंट ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं। यहाँ मैंने बेसन लिया है। बेसन में मैंने कसूरी मेथी, मिर्ची मतलब चिली फ्लेक्स, नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और अगर आपके पास कुछ और भी अवेलेबल हो तो आप उस वेजिटेबल भी डाल के बेसन में घोल के, और ऐसे ब्रेड को मैंने छोटा छोटा स्क्वायर में कट कर लिया है और तेल में फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे सॉस के साथ मैं बच्चों को ब्रेड पकौड़ा दे रही हूँ। और अभी सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी से मौसम में ना फ़र्क है, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई है अदरक और लौंग वगैरह डाल के। थोड़ा सा गला भी उनका ख़राब है, तो उसके साथ ये सुबह सुबह इसका ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। और ये मैं इनको लंच भी पैक कर रही हूँ। तो मेरे बच्चों के स्कूल में ना चॉकलेट वगैरह इतना अलाउड नहीं है, मैं कभी कभार देती हूँ, जस्ट फ्राइडे। तो आज सिर्फ मैं उनको दे रही हूँ ये इंस्टेंट ब्रेड पकौड़ा और मखाने। तो ये यमी सी रेसिपी अगर आपको मेरे लंच बॉक्स की पसंद आती है तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन ज़रूर दबाना। और ऐसे ही आगे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बच्चों के टिफ़िन की जैसे भी मैं पैक करती हूँ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चों का लंच पैक हो गया है। मैंने दोनों को मखाने और ये इंस्टेंट ब्रेड पकौड़ा पैक कर दिया है। अगर इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप लंच बॉक्स पैक करते हो ना, तो बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो कभी इस तरह से इंस्टेंट ब्रेड पकौड़ा बना दिया, थोड़ी वेजिटेबल वगैरह आपके पास है तो वो सब डाल के, और कभी पराठा सब्जी दे दी, कभी कुछ कुछ अलग अलग मैं चीज़ें बच्चों के लिए पैक करती रहती हूँ, तो वो बड़ा इंजॉय करते हैं अपना लंच और पूरा फिनिश करके आते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों के लंच को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैक कर सकते हैं, और बच्चे भी उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे और उनको अच्छा लगेगा, और आप भी अपने बच्चों को ऐसे लंच बैग देके खुश रहेंगे। तो ओके फ्रेंड, मिलते हैं, बाय बाय।